लेकिन मुझे अफसोस है कि ऐसा करने का मुझे अवसर ही नहीं दिया गया। लोकतंत्र में बहुमत के हिसाब से ये परंपरा नैतिकता पर हम चर्चा नहीं करेंगे। लोकतंत्र की खूबसूरती कहें या लोकतंत्र की बदसूरती कहें। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार विधानसभा सदन से विजय कुमार सिन्हा ने साफ साफ कह दिया है कि हमने इस्तीफा क्यों नहीं दिया, उसका कारण भी बताया और ये कह दिया कि मैं इस्तीफा उस समय तुरंत दे ही देता, लेकिन आप लोगों ने कुछ ऐसा कर दिया जिसके बाद मुझे ये सब करना पड़ा। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं विजय कुमार सिन्हा। कि आपकी भावनाओं के अनुरूप आसन की मर्यादा का ध्यान रखकर हम अवश्य निर्णय लेते, लेकिन मुझे अफसोस है कि ऐसा करने का मुझे अवसर ही नहीं दिया गया। सरकार का 9 अगस्त को इस्तीफा देना और 10 अगस्त को नई सरकार का प्रस्ताव देना, लोकतंत्र में बहुमत के हिसाब से ये परंपरा नैतिकता पर हम चर्चा नहीं करेंगे। लोकतंत्र की खूबसूरती कहें या लोकतंत्र की बदसूरती कहें, ये जनता के ऊपर छोड़ते हैं। या लोकतंत्र का तकाजा है, नई सरकार के गठनोपरांत मैं स्वतः अपने पद का परित्याग कर देता, लेकिन इसी बीच प्रेस मीडिया और अखबारों से मालूम हुआ कि 9 अगस्त को लोगों ने मेरे खिलाफ सचिव को अविश्वास प्रस्ताव की सूचना भेजी है। उस दिन सार्वजनिक अवकाश था। पुनः 10 अगस्त को सरकार गठन के पूर्व ही लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव सचिवीय कार्यालय में जाकर दिया। इस परिस्थिति में उनके अविश्वास के आरोप का सही जवाब देना हमारी नैतिक जिम्मेवारी बन गई, क्योंकि यदि हम इस्तीफा दे देते तो उनके आरोप का जवाब उन्हें नहीं मिल पाता। माननीय सदस्यगण, आप सभी बिहार में लोकतंत्र के इस सबसे बड़े मंदिर के पुजारी हैं। मैं आप सभी को यह बताना चाहूंगा कि आपने जो अविश्वास प्रस्ताव लाया है वह अस्पष्ट है। 9 माननीय सदस्यों का पत्र मिला जिसमें से 8 लोगों का प्रस्ताव नियमानुकूल प्रतीत नहीं होता है। एक माननीय सदस्य श्री ललित यादव जी द्वारा दिया गया, जो अब माननीय मंत्री हैं, जिसमें वह वर्णित है कि आप विश्वास मत खो चुके हैं, ये मुझे सही लगा। लेकिन मुझ पर अन्य आरोप जो कुछ माननीय सदस्यों द्वारा लगाया गया है, मनमानी करने का कार्यशैली और व्यवहार और लोकतांत्रिक रखने का, तानाशाही प्रवृत्ति का, माननीय सदस्य खासकर श्री चंद्रशेखर जी जो अब माननीय शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि मुझसे गौरवशाली परंपरा शर्मसार हुआ। तो सुना आपने, सदन में अध्यक्ष के तौर पर वो आसीन होकर कुर्सी पर बोल रहे थे और कई सारी बातों पर अपनी बात रख रहे थे। अविश्वास प्रस्ताव को भी उन्होंने सबसे पहले तो ठुकराया और ये कहा कि हम इस्तीफा दे चुके होते, लेकिन कुछ लोगों ने, कुछ माननीय सदस्यों ने ऐसा पहले ही कर दिया कि मुझे ये सब कुछ करने पर विवश होना पड़ा। देखिए अब इसके बाद क्या कुछ निकल कर आता है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल विजय कुमार सिन्हा सदन में बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे। बने रहे लाइव सीरीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सके। धन्यवाद।